हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है फूडिंग पाथ विद ज्योति में। आज मैं कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सभी के साथ वनीला कपकेक बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, यह बच्चों का फेवरेट है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यह सॉफ्ट और स्पंजी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कपकेक बनाना। मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिया है। इसमें मैं सबसे पहले आधी कटोरी चीनी का पाउडर डाल दूंगी। यह रेगुलर चीनी है जिसे हम घर में यूज करते हैं, उसी को ग्राइंड कर लिया है। साथ ही एक चौथाई कटोरी न्यूट्रल ऑयल, दोनों को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अब एक चम्मच की सहायता से धीरे धीरे मिक्स कर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। मैंने चीनी पाउडर और तेल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसी समय इसमें एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल देना है। साथ ही सवा कटोरी मैदा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी इसमें मिलाना है। अब मैं इसमें आधी कटोरी दूध डाल दूंगी और एक मिश्रण तैयार करूंगी। इसे एक ही दिशा में मिक्स करना है। अगर दूध कम पड़ेगा तो और मिलाऊंगी। देखिए, इसमें और दूध डालना पड़ेगा, तो इसमें मैं आधी कटोरी से थोड़ा कम दूध और डाल देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा डालिएगा, मुझे आइडिया है तो इसलिए मैंने एक बार में ही डाल दिया है। अब अच्छी तरह मिक्स कर एक लम्प फ्री बैटर तैयार करना है। देखिए किस तरह मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। बैटर तैयार हो गया है। अब ओवन को प्रीहीट कर लेती हूँ। जब तक ओवन प्रीहीट होता है तब तक मोल्ड में मैं ऑयल लगा लेती हूँ ताकि केक अच्छी तरह निकल जाए। अब बारी बारी से सारे मोल्ड में बैटर डाल दूंगी। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। ज्यादा भरकर नहीं डालना है। मैंने बैटर को मोल्ड में डाल दिया है। ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। अब इन सभी को ओवन में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। बीच में आप 15 मिनट के बाद एक बार इसे टूथपिक से चेक भी कर सकते हैं। देखिए यह पूरी तरह तैयार है। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है। देखने से ही लग रहा है यह पूरी तरह बेक हो चुका है। अब इन्हें मैं ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लूँगी। तुरंत निकालिएगा तो आपका केक टूट सकता है। कपकेक ठंडा हो चुका है। अब इन्हें मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, देखिए यह कितना स्पंजी और सॉफ्ट दिख रहा है। आपको मैं दबा कर दिखाती हूँ। आपने देखा कि यह कपकेक बनाना कितना आसान है। कोई बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल गैदरिंग हो, इसे बनाइए और अपना अनुभव कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरे लिंक को शेयर करें। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।